वेलकम टू आवर चैनल SBJ फूड। तो ये देखिए दोस्तों, है ना ये गोलगप्पे, बहुत ही करारे गोलगप्पे, पुचका, पानी पूरी, आप इसे जो भी कह लें, ये हम सभी की फेवरेट स्ट्रीट फूड होती है। अगर आप भी घर पर ही ऐसे करारे गोलगप्पे बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से करारे दही वाले गोलगप्पे। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम 1 कप आटा लेंगे, उसमें 1/2 कप सूजी डाल लेंगे और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और इन्हें थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और हाँ, सूजी जो है वो हमेशा आटे की क्वांटिटी से 1/2 ले, तब जाके आपके गोलगप्पे बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। अब हमें नॉर्मल पानी से ही आटा लगा लेना है, बिल्कुल ही हार्ड डो होना चाहिए, जैसे हम पूरी के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो ये हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए भीगे कपड़े से ढककर रख देंगे। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भिगोकर उसे ढक सकते हैं ताकि इसमें पापड़ी सी ना जमे। आधे घंटे बाद आटा को हम अच्छे से हाथों से ऐसे हथेली से रब कर करके फिर से लगा लेंगे। अगर ये लगाते वक्त आपके हाथों में चिपके तो आप थोड़ा ऑयल लेकर इसे अच्छे से हाथों से मसल मसल कर लगा ले। इससे इसमें जो भी लम्स है वो सेट हो जाएंगे और आपके गोलगप्पे बहुत ही अच्छी तरीके से फूलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस ना करें और ध्यान से करिए। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी लोई बनाकर इसे बेल लेंगे। बेलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें सूखा आटा ना यूज करें। अगर ये चिपके तो आप इसमें ऑयल लगाकर अच्छे से बेल लें। तो आटा हमें रोटियों से थोड़ा पतला बेलना है, ज्यादा पतला ना करें, तब जाकर ये परफेक्ट करारे होंगे। अब हमने एक छोटी ग्लास से ऐसे गोल गोल शेप में काट लिया है। बाकी के आटे को हम फिर से बेलकर गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। अगर आप बना सके तो छोटा छोटा लोई करके डायरेक्ट बेलकर भी गोलगप्पे बना सकते हैं। अब हम इन्हें एक भीगे हुए कॉटन कपड़े में रख लेंगे और उसे फिर से ढक लेंगे। आधे घंटे के लिए इन्हें ढककर ऐसे ही रख दे। तब तक हम अपना आलू का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ 2 आलू उबाल लिया है। अब हम इन्हें मैश कर लेंगे और इसमें 1 प्याज और 2-3 ग्रीन चिलीज ऐसे रफली चॉप करके ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू का पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम हरी चटनी भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा हरा धनिया, 2 ग्रीन चिलीज, थोड़ी इमली का प्यूरी और थोड़ा पानी ऐड करके इनका पेस्ट बना लिया है। तो ये देखिए हमारी हरी चटनी भी बनकर तैयार है। हम इसमें नमक ऐड करना भूल गए थे, आप पीसने से पहले ही नमक ज़रूर ऐड कर लें। तो ये हमारी हरी चटनी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम गोलगप्पे भी बना लेते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ये देखिए हमने इतने सारे गोलगप्पे बनाए थे, अब हम इन्हें 1-1 करके ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा दबाते हुए फ्राई करें, तब जाकर आपके गोलगप्पे सही से फूलेंगे। इसे डालते ही दबाते रहें, तभी जाकर ये सही से फूलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो हम ऐसे ही 1-1 करके सारे गोलगप्पे बना लेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूले हैं और बहुत ही ज़्यादा करारे हैं।
तो चलिए मैं आपको एक दही वाला गोलगप्पा बनाकर भी दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ एक गोलगप्पा ले लिया है। अब हम उसमें थोड़ा आलू, थोड़ी हरी चटनी, थोड़ी इमली वाली मीठी चटनी और दही डाल लेंगे और इन्हें ऊपर से भुजिया से गार्निश कर लेंगे। आप एक एक करके सारे गोलगप्पे ऐसे ही बना लें और ध्यान रखिए इसे बनाते ही साथ के साथ ही खा जाए, अदरवाइज ये दही की वजह से नरम हो जाएंगे। तो आपको अगर लॉकडाउन में गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आप बाहर के गोलगप्पे भी खाना भूल जाएंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल ही हाइजीनिक है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। और चाहे जो भी हो घर पर ही रहे। थैंक यू।